बॉलीवुड एक्ट्रेस आशा पारेख ने नासिर हुसैन की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। सारी ही फिल्में लगभग हिट रहीं। सन 1973 में नासिर हुसैन ने फिल्म यादों की बारात बनाई, जो उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में जीनत अमान का रोल काफी चर्चाओं में था, और हो भी क्यों ना, जीनत ने इस रोल में जान डाल दी थी। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस रोल के लिए नासिर हुसैन ने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस आशा पारेख को चुना था, लेकिन उस समय आशा की उम्र 30 साल की हो गई थी और हुसैन को ये महसूस हुआ कि वो एक कॉलेज की लड़की के रोल में सूट नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने जीनत अमान को ये रोल ऑफर किया। नासिर हुसैन ने महाबलेश्वर के एक होटल के पास जीनत अमान को नारियल पानी पीते हुए देखा था और उन्हें देखकर हुसैन को ये लगा कि उन्हें मिल गई यादों की बारात की हीरोइन।